हरदा के थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां 3 लाख रुपए का करीब 27 किलो 500 ग्राम गांजा पकड़ा है। वहीं पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ग्राम रनहाई में नीले रंग के सूटकेस में गांजा लेकर खड़ा है। सूचना मिलते ही 6 सदस्य पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने में कामयाब हुए। आरोपी को थाना में लाकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वह विशाखापट्टनम से हरदा आया, जिसने अपना नाम मनोज सिंह बताया है। वहीं उसके पास से पुलिस को नीले रंग का सूटकेस मिला, जिसे खोलकर देखने पर उसमें गांजा बरामद हुआ। थाना कोतवाली में हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति ट्रेन से उतरा है, रनाई की तरफ से आ रहा है, तो वो व्यक्ति को चेक करना बहुत जरूरी है। तो हमारी टीम गई थी और उसे चेक किया तो उसके पास से 27 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है।